हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रॉयल टर्टल में। और यहाँ पर मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ मेरा अभी रिसेंटली परचेज़ किया हुआ हैंडल है, जो मैंने टूरिंग पर्पस से मंगाया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये हैंडल की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आज, और साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि बाइक में लगने के बाद कैसा लगेगा। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल से और लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये है मेरा नया हैंडल बार जो है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से। देखिए और इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, और इसकी मजबूती के साथ साथ जो इसका जो स्टांस है जब ये बाइक पर लगने के बाद में जब आप चलाते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा था, मेरे जो राइडर्स हैं, मेरे दोस्त जो है, तो उन लोगों ने ये अपनी बाइक्स में लगा रखा है। मैंने अपनी बाइक जो है रिबॉन क्लासिक 350 के लिए ये अभी रिसेंटली अभी मंगवाया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लगने के बाद ये कैसा लग रहेगा और मेरी राइड किस तरीके की जा रही है, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स करिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये बाइक में लगने के बाद कैसा लगता है। You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us. यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरी क्लच वायर है, ये या तो आपको कोई बड़ी तार लेनी पड़ेगी और या फिर इसको क्लिप से थोड़ा हटाना पड़ेगा ताकि वो और थोड़ी जगह बना दे। तो पीछे या तो क्लिप से हटा के फिर उसको थोड़ा सा खींच के आगे करा जाएगा। मेरी तार काफ़ी पुरानी हो रही थी तो मैंने चेंज करा दी, इससे थोड़ी सी एक बड़ी मैंने तार डलवाई है। अदरवाइज़ आप मीटियोर की भी तार 350 की आप डलवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से एडजस्टमेंट बैठाई जा रही है, और ये आपको हमेशा चेक करना है कि कहीं तार कोई खींच ना रही हो, हैंडल को चला के देख सकें ताकि कहीं से कोई टेंशन ना हो तार में, क्योंकि ये हैंडल जो आपके नॉर्मल जो स्टॉक हैंडल आता है उससे थोड़ा ऊंचा है। थोड़ा नहीं, मतलब एक्चुअली ये ऊँचा हैंडल है, और ये आपकी कोनियों को और शोल्डर्स को बहुत आराम देगा जब आप लंबी राइड पर होते हैं। और मेरा पर्पस सर सिर्फ टूरिंग है तो इसलिए मैंने ये हैंडल लगाया। अदरवाइज़ जो स्टॉक हैंडल्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। कि आप देखिए ये जो भाई हैं ये किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहे हैं तार को, और ये हैंडल को हिला करके देख रहे हैं ताकि जो तार है कोई टेंशन ना दे रही हो इस रिलेटेड की, ताकि कोई परेशानी ना आए। अब आप दोस्तों ये बताइए कि आपको अब लगने के बाद फाइनली किस तरीके की मेरी बाइक लग रही है और किस तरीके का आपको फील आ रहा है। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। और अब जब मैं टूर पर जाऊँगा तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि मेरी राइड में कितना कम्फर्ट आया है। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, साथ साथ मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों को बताते रहूँगा क्योंकि मेरी राइड कंटिन्यूस रहती हैं। थैंक यू।